सारा दिन घूमे आवे, सारे रास्ते ढूंढे आवे, अपने घर का पता जाने क्यों भूले आवे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जरा जा रहे हैं श्रीनगर, अभी हम निकलते हैं। हमें जहाँ पे पहुँचना था वहाँ पे पहुँचने के लिए हमें जरा देरी हो रही थी, तो इसी जगह हमने रुकना मुनासिब नहीं समझा। व्लॉग व्लॉग कहते हैं, हम थोड़ा दिखाते हैं आपको घर से हमारी डेस्टिनेशन। पेश है वो टाइम लैप, देख लो। कश्मीर में कोविड का बढ़ रहा खतरा और कोविड 19 अपने राइज पे खतरनाक तरीके से इग्नोर दिस, सो वी आर हियर राइट नाउ। अभी हम पहुंच चुके हैं। बकवास हो गया। एक चीज़ के लिए हम बड़े खुश हैं दैट एटलीस्ट एवरीबॉडी इज मास्क। 12 बज रहे हैं, 12:30, हमें भूख बहुत लग रही है। हेलो जी, शहर से लौटने के बाद हम ज़रा एक खास सी जगह पे आए थे। जो जगह हम आज आपको दिखाने वाले हैं बड़ी खूबसूरत जगह है। ये जो जगह है यहाँ पे अक्सर हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। यहाँ पे फुटबॉल होती है, यहाँ पे क्रिकेट होती है, हॉकी होती है। यहाँ पे हम लोग कभी कभार जो है समर्स में अभी भी कुछ लोग यहाँ पे बैठते हैं। अभी इस जगह पे हमने अपनी लाइफ की पहली वीडियो बनाई थी, वो जगह यहाँ पे है। यहाँ से वो जंप मार के यहाँ पे चले जाते। ये मेरे को नहीं पता अभी तक ये क्यों है, क्या है। ये एक रास्ता है, ये रास्ता जो है सीधा जो है मेन सड़क पे मिलता है। यहाँ से सीधा वहाँ तक स्कीइंग प्लेस फॉर अस, जो जहाँ पे हम लोग जो है अक्सर बचपन में जो बच्चे होते थे तो यहाँ पे आते थे। एंड रिसेंटली यहाँ पे कुछ बच्चों ने जो है ऐसा बनाया हुआ है। एंड नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको आगे भी। कुछ जगह ऐसी होती हैं जो आपके साथ हमेशा रहती हैं, आपके दिमाग में रहती हैं। अभी दिखाता हूं मैं आपको कि यहां पे और क्या क्या होता है। तो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। समर्स में हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, चिल करते हैं। दैट इज़ बारामूला मेन टाउन। बर्फ़ में आप सबको पता होगा, जो बर्फ़ में चले हैं या जो कश्मीर से, उन सबको पता होगा कि बर्फ़ में चलना इज़ बहुत थकाने वाला है। जो नहीं चल रहे हैं तो चल के देखना। पूरी
पूरी दुनिया से लड़ने के बाद हम अक्सर यहाँ पे आते थे। हमने यहाँ पे रोया है, हमने हंसा है, हमने हम नाचे हैं यहाँ पे, पता नहीं क्या क्या किया है। ये जगह बहुत स्पेशल है, यहाँ पे अक्सर हम लोग बैठते थे, यहाँ से ये सारा व्यू आता है। एक लंबे अरसे के बाद हम आज यहाँ पे आए एंड यहाँ पे हम बिल्कुल उसी तरह बैठेंगे जैसे पहले बैठा करते थे। फ़र्क सिर्फ इतना है, पहले हम 10 हुआ करते थे, आज हम अकेले यहाँ पे बैठेंगे, कोई कोई सीन नहीं है। एंड दैट इज़ गुलमर्ग। एक दिन पहले मैं इस वीडियो के बारे में सोच रहा था कि ऐसा एक वीडियो बनाता हूँ, अपनी इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा आपको दिखाएंगे कि क्या सीन है। बट अभी ना मैं ऐसे ही आ गया एंड ऐसे ही सोचा चलो आज करते हैं ये चीज़। आई होप ये छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। इस चीज़ के लिए मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था, आपको सुनाना है मुझे ये। ये वो जगह है जहाँ पे हमने अपनी टांगे बाजू सब कुछ तोड़ दी थी। एक्चुअली हम यहाँ पे फुटबॉल खेलते थे एंड ये हमारा छोटा सा ग्राउंड है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।